मेरा नाम है शीन दास और आज जो है मैंने ज़ील अग्रवाल मेरी प्यारी दोस्त का ड्रेस पहना हुआ है. इट्स डिज़ाइन बाय हर एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल ट्रॉपिकल लुक लग रहा है मुझे देख के. तो हाँ, लुक्स लाइक अभी हम लोग दोनों घूमने जाने वाले हैं. वेरी वॉन्डरफुल मॉलीव्स और मेरी जो ओके इज इट अ बीच ड्रेस. इट आई लुक्स लाइक बीच ड्रेस ऑल्सो. इट लुक्स लाइक आप बताइए थोड़ा सा कलेक्शन के बारे में और क्या इंस्पिरेशन थी. सो दिस इज एक्चुअली अ ट्रॉपिकल लुक एज शी सेड एंड दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ग्रीन्स. जैसे आप प्रिंट भी देख रहे होंगे फ्लोरल एंड लीव्स एंड वो सब बना हुआ है. सो हमने बहुत ध्यान में रख के पूरा प्रिंटिंग वैसा ही करवाया है एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव गिवन इट अ वेरी नाइस बीची काइंड ऑफ लुक लाइक यू आर गोइंग फॉर सम एक्सोटिक वेकेशन. सो दैट वाज इन माय माइंड व्हाइल आई वाज डिजाइनिंग दिस कलेक्शन एंड आई एम हैप्पी दैट आई डिड दैट. प्लस वी हैव गिवन इट अ वेरी इंटरनेशनल काइंड ऑफ लुक. इफ यू see the whole design from the upper body part, there is a bustier kind of a look with a leather kind of wiring around it, but it's just for the show. So yeah, I kind of was very much inspired from the greens and the look and everything. So I think those pipes and all, they are complementing your body, you know. Exactly. Whatever your body type is, if there's something designed like this, it complements your body and you feel like you have some good figure. Yeah. Even if some of the clients might not have, you know, not everybody has true a good body. Yeah. But if the clothes are made such that and they complement your body. Fit. Yes. If you get a perfect fit, obviously the garment is gonna look good. So you need a nice fit for a nice garment, a nice outlook. So उनका लुक जो डिज़ाइन था वो हमारी इंडियन एक्ट्रेस रेखा जी को ध्यान में रख के किया गया था. इनका जो लुक है वो थोड़ा हॉलीवुड को ध्यान में बिकॉज मुझे बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों से ही बहुत प्यार है. सो मैं इंस्पिरेशन लेती रहती हूँ सब सेलिब्रिटीज से सब एक्टर्स से जैसे ट्रेंड में क्या चलता रहता है. सो जो ट्रेंड में चल रहा है मुझे उससे हटके करना है. जो ऑलरेडी कोई कर रहा है मुझे वो नहीं करना है. सो आई ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि मेरे जो भी डिज़ाइन हो वो एकदम अलग हो एकदम हटके हो. जो भी मेरा कलेक्शन प्रेफर कर रहा है जो भी एक्टर प्रेफर कर रहा है या एक नॉर्मल इंसान भी प्रेफर कर रहा है सो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आए और वो स्पेशल फील करे कि नो वी आर वेयरिंग समथिंग डिफरेंट और हम कुछ अलग दिख रहे हैं. कैमरा दूर जाता है. Hi baby, hi. She's like my younger sister. She is so talented. It matlab Zeel ki umar mein itna zyada talent aur abhi se matlab she's designing for stars, for celebrities, for people, general people. It's amazing and her designs are fabulous. I really love her design. Kis tarah ki style statement ko follow karna aap pasand karti hai? जिस तरीके की ज़ील मुझे बता दे कि शीन ऐसा पहन लो. मैं ज़ील को कभी कभी फ़ोन करती हूँ कि ज़ील भाई मेरा इवेंट है हेल्प मी आउट. तो अभी तो गुजरात में है और जब भी बॉम्बे आती है तो मैं डेफिनेटली मिलती हूँ और अदरवाइज भी पूछती ही रहती हूँ क्योंकि इसको पता है कि अभी स्टाइल अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है किस तरीके के कपड़े चल रहे हैं. तो बिल्कुल नहीं हूँ इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फैशन डिज़ाइनर्स की क्योंकि क्या होता है माई फैशन सेंस इज नॉट दैट ग्रेट. इफ़ समबडी टेल्स मी कि शीनी अच्छा लग रहा है पहन लो तो मैं पहन लेती हूँ.
दैट एक्चुअली क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या सूट कर रहा है आपकी बॉडी टाइप, ये सब चीज़ें जो है जिले से डिज़ाइनर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं. तो वेन एवर सम क्लाइंट कम्स टू हर, उसका इसका इतना ज़्यादा डेडिकेशन है कि उस क्लाइंट को कम्फर्ट प्लस डिज़ाइनिंग प्लस उसको क्या पसंद आ रहा है सब कुछ दिमाग में रख के ये खुद डिज़ाइन करती है ड्रेस और बनवाती है स्पेशली उस पर्टिकुलर इंसान के लिए. और उसका दूसरा कोई पीस नहीं होता, यू नो, सो वो आपके दिल के बहुत करीब हो जाता है और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं. कोई भी ब्रांड जो है आप किसी भी ब्रांड से खरीदते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ओ सामने वाले इंसान ने भी मेरे जैसे ही कपड़ा पहना है, यो यू कांट गो रॉन्ग. स्पेशली मतलब हॉलीडेज या यू डोंट वॉन्ट टू रिपीट कि अरे किसी ने पहना हुआ ऑलरेडी, आपने भी पहना हुआ है सेम चीज़. मुझे दीपिका पादुकोण का फैशन सेंस बहुत अच्छा. जी मैम, आपसे जानना चाहूँगा, रेनी सीजन आ गई है तो क्या टिप्स शेयर करना चाहेंगे जो व्यूअर्स हैं हमारे? रेनी सीजन में जैसे कि हम जानते हैं कि बारिश रहती है, सो डोंट वेयर वाइट सबसे पहला, बिकॉज वाइट खराब होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं. बट सेकेंड मैं ये भी मानती हूँ कि इस सीजन में मॉस्किटोज एंड ऑल काफ़ी रहते हैं, सो आप ऐसा फैशन भी चूज कर सकते हैं. आई थिंक इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप शॉर्ट टर्म लाइक शॉर्ट ड्रेसेस पहनने को ही अच्छे लगते हो, वन शोल्डर ट्यूब स्टाइल. आई बिलीव इन क्लासिक. आई थिंक कि विंटेज फैशन जो है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जिससे मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ पुराने टाइम के फैशन से, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप उसको थोड़ा सा ट्रेंड में ले आएँ और करंट ट्रेंड के साथ थोड़ा विंटेज वाइब्स रेनी सीजन में मिक्स करके पहने तो मिक्स वो बहुत ही क्लासी लगेगा, बहुत एलिगेंट लगेगा. सो मेरा ये माइंड में रहता है कि फैशन शुड बी समथिंग दैट इज़ टाइमलेस, जो हमेशा एवरग्रीन रहे. एंड आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है. सिंगल टोन कलर्स पहनिए, न्यूट्रल कलर्स पहनिए, पेस्टल्स पहनिए. आई थिंक रेनी सीजन है तो पेस्टल्स बहुत अच्छे से उभर के बाहर आएंगे एंड आपकी स्किन को भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे. ये ऐसा कलर पैलेट होता है जो हर स्किन टाइप पे जाता है, प्लस आपके बॉडी टाइप पे क्या सूट कर रहा है उस हिसाब से कपड़े पहनिए. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर चीज़ आपके बॉडी के हिसाब से सूट करेगी. सो किसी को देख के आप वो पहनो वो मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करती. ऑलवेज ट्राई टू वेयर समथिंग दैट सूट्स योर बॉडी, योर स्टाइल एंड इन विच यू फील कॉन्फिडेंट एंड यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ. सो ऑलवेज गो फॉर दोज. There's this project coming up called Tanav, a cross production of style. It is going to release soon, release date of the idea, but it is going to be on Sony. Thank you so much and all the best.